गुड इवनिंग, केडी पार्क्स ऑफिस। मुझे केडी से बात करनी है। बोलो। वो अभी ऑफिस में नहीं है, आप कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम डॉक्टर सुशील भारती है, केडी का दोस्त हूँ। उसे कहिए मैं उससे फिर फोन करूँगा। देखिए, आप मुझे अपना नंबर बता दीजिए, मैं उन्हें। हेलो हेलो, हाय वरुण। हाय सर। सर, किसी डॉक्टर सुशील भारती का फोन आया था। किसका? डॉक्टर सुशील भारती। आई श्योर यू हर्ड द नेम राइट? वरुण, ये नामुमकिन है। डॉक्टर सुशील भारती मेरे वर्षों पुराने मित्र थे। 3 साल पहले उनका एक प्लेन क्रैश में देहांत हो गया। What? वो तुमको कैसे फोन कर सकते हैं? सर, लेकिन उन्होंने तो अपना नाम यही बताया। ये देखिए, मैंने लिखा भी है डॉक्टर सुशील भारती, लेकिन उन्होंने अपना नंबर नहीं बताया मुझे। हो सकता है कोई और डॉक्टर हो उन्हीं के नाम का, या फिर कोई मजाक कर रहा हूं। मजाक हो सकता है सर। सर, वो आदमी हकला हकला कर बात भी कर रहा था। हकला थे तो डॉक्टर भारती भी थे। How is it possible? कोई नहीं सकता। एक काम कर वरुण, मलाड में डॉक्टर भारती का डेंटल पॉलीक्लिनिक है, जो हाल फिलहाल उनकी पत्नी चलाती है, डॉक्टर श्लोकर। जा, जरा पता लगा कि माजरा क्या है। राइट सर। अच्छा जी, भगाना चाहती हो मुझे यहाँ से? तुम्हें मालूम है ना मैं तो तुमसे मजाक कर रही हूँ। हाँ, सुशील के जाने के बाद तुम ही तो हो जिसने इस क्लिनिक को संभाला, मुझे संभाला। नहीं तो मैं तो टूट गई थी नमित। मैं तुम्हारा साथ जिंदगी भर देना चाहता हूं श्लोका, जिंदगी भर। कौन है आप? हाय, मेरा नाम वरुण है, एडवोकेट केडी पार्क एसोसिएशन। उन्होंने ही मुझे यहां भेजा। डॉक्टर श्लोका भारती, राइट? यस। और आप? मैं डॉक्टर अभ्यंकर। क्या बात है? मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। क्या हाल ही में आपके पति का कोई फोन आया था? क्या? मेरे पति ने? क्या बात कर रहे हैं आप? अरे, इनके पति की मौत 3 साल पहले हो चुकी है। मैं जानता हूँ, प्लेन क्रैश में हुई थी। फिर भी आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आपके पति डॉक्टर सुशील भारती का कोई फोन आया था? क्या बकवास है ये? हाँ, कैसा मजाक कर रहे हैं आप? और आपको अंदर आने किसने दिया? Just get out from here. देखिए, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। कल रात को केडी से को एक फोन आया था, और वो कह रहे थे कि डॉक्टर सुशील भारती का दिमाग तो सही है ना तुम्हारा? चलो निकलो यहाँ से। शर्म नहीं आती एक विधवा से उसके पति के बारे में सवाल पूछते हुए? I'm really sorry. मेरी वजह से आपको दुख पहुंचा, तुम मुझे माफ कर दीजिए। तो लगा था कि डॉक्टर सुशील भारती की पत्नी उसके जिंदा होने की खबर सुनके खुश हो जाएगी, वो तो उल्टा मुझ पे गुस्सा हो गई। साहब बिल्कुल सही कह रहे थे, ये कोई मजाक ही है। वरुण, वो जो फोन मुझे उस दिन आया था, किसी ब्लू पर्ल कॉटेज से आया था। तो चेक कर कौन था। जी सर। सारे जी,
मिस्टर केडी पाठक जी बैठिए। थैंक यू। मैंने सुना है कि आज तक आपने कोई भी केस नहीं हारा। ये तो मेरी तारीफ हो गई, आपकी तारीफ। मैं डीएन सिंगल अपनी बेटी का केस लेकर आया हूं, शर्मिला। उसे कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। जी, किसका कत्ल हुआ है? किसी इंसान को जिसे वो जानती थी, कोई नरेश। कहाँ हुआ है कत्ल? मटके ब्लू पर्ल कॉटेजेस, कॉटेज नंबर 32। रेले नरेश कुमार पुणे में एक रियल एस्टेट ब्रोकर था, मुंबई शायद किसी बिजनेस के लिए आया था। मेरी उसकी लाश की फोटो, वो जेब से ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। इट्स इम्पॉसिबल दवे, ये नरेश कुमार है ही नहीं, ये डॉक्टर सुशील भारती है, कई वर्षों से जानता हूं मैंने। केडी, हो सकता है इसके दो नाम हो। नहीं दवे, 3 साल पहले इनका प्लेन क्रैश में देहांत हो चुका है। ये कैसे हो सकता है, एक ही आदमी की दो बार? तो आप नरेश कुमार को कब से और कैसे जानती है? यही कुछ 3 साल से पहले जानते हैं हम एक दूसरे को, पुणे की कॉन्फ्रेंस में मिले थे हम दोनों। किसी डॉक्टर सुशील भारती को पहचानती है? नहीं तो कौन है वो? ये तो नरेश कुमार की तस्वीर, ये डॉक्टर सुशील भारती की तस्वीर। लेकिन ये दोनों तो एक ही है। जी माय गॉड, बड़ी हैरत अंगेज बात है। एयरलाइन की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि उस प्लेन क्रैश में सुशील भारती की मौत हुई थी, और 3 साल बाद कोलाबा के एक होटल से नरेश कुमार की लाश मिली, जो हूबहू उसी की शक्ल का था। योर ऑनर, सिर्फ शक्ल एक जैसी नहीं थी, बल्कि आवाज और अंदाज वो भी एक समान था। इस शख्स ने मुझे सुशील भारती के नाम से फोन किया था, और जिस तरह डॉक्टर भारती हकलाते थे उसी तरह हकलाकर बात की। मुझे शक है कि ये शख्स डॉक्टर सुशील भारती ही थे। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है केडी? तो फिर क्या सुशील भारती की मौत उस प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी? लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर वो उस प्लेन क्रैश में बच गए थे तो 3 साल से गायब क्यों थे? एक मिनट मिस्टर पाठक, इस केस का मुद्दा ये नहीं है कि डॉक्टर सुशील भारती और नरेश कुमार एक आदमी थे या दो या तीन, बल्कि इस केस का मुद्दा यह है कि एक आदमी की मौत हुई है और वो मारा गया है मिस शर्मिला सिंघाल के हाथों। आपकी बात सही है प्रोसिक्यूटर साहिबा, लेकिन आपको ये जरूरी नहीं लगता कि मरने वाले का अस्तित्व हम जान लें, उनकी पहचान हम जान लें केस को आगे बढ़ाने से पहले? मिस्टर पाठक जी, पहले इस केस से जितने भी जुड़े हुए सवाल है उसे निपटाया जाए। ऑफ कोर्स, गो अहेड। सो मिस शर्मिला सिंघाल, आप उस आदमी को नरेश कुमार के नाम से ही जानती थी ना, जो आपके सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे, और आपने उनका कत्ल नहीं किया, यही बयान में लिखा ना आपने? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। जी हाँ। योर ऑनर, पुणे से आए मिस्टर नरेश कुमार की मौत 1 अक्टूबर रात 7 और 8 बजे के बीच में मड के ब्लू पर्ल कॉटेज में हुई, और कत्ल का हथियार ये फल काटने वाला चाकू था जिस पर मिस शर्मिला सिंघाल की उंगलियों के निशान। मिस सिंघाल, अब आप ये कहेंगे कि आप मुंबई आई ही नहीं थी, करेक्ट? योर ऑनर, इस केस में मेरा पहला गवाह ये साबित करेगा कि कातिल मिस सिंघाल ही है, उस कॉटेज के हाउसकीपर मिस्टर कुट्टी। सर उस दिन मैं हाउसकीपिंग के पेंट्री में था सर, मिस्टर नरेश कुमार ने अपना रूम से मेरे को डायल किया। हेलो हाउसकीपिंग,
आप यहाँ पर आके मेरा एसी बंद कीजिए, मेरा रिमोट भी काम नहीं कर रहा है यहाँ पर। ओके सर, मैं अभी आता। शर्मिला, ये क्या कर रही हो तुम? तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं, कभी नहीं। ऐसा नहीं है शर्मिला, अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता होता तो सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास क्यों आ जाता मैं? क्योंकि तुम अपनी बीवी के पास वापस लौटना चाहते हो। शर्मिला, ये तुम क्या कह रही हो? ये जब से चौबे अविला है ना, नाम मत लो चौबे का। असल वजह ये है कि तुम अपनी बीवी के पास वापस जाना चाहते हो। मैं तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ कर आई, सब कुछ छोड़ दिया मैंने, और अगर नरेश अब तुम मुझे छोड़ कर गए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। और फिर ये मैडम रूम से बाहर गया सर, और अगला सुबह मिस्टर नरेश कुमार का। मिस सिंघल, अभी भी आप यही कहेंगी कि मिस्टर नरेश कुमार सिर्फ आपके अच्छे दोस्त हैं? वो हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि सुशील पहले से ही शादीशुदा है और मुझे छोड़कर अपनी बीवी के पास जाना चाहता है। और इसलिए पहले आपने उसे मारने की धमकी दी ये कहकर, दैट आई विल किल यू, और उसी रात 8 बजे आपने उनका कत्ल कर दिया। हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं, क्योंकि 8 बजे मैं अपने डैडी के पुणे वाले घर पर थी उनके साथ। मिस जाफरी, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं इनसे एक सवाल पूछ लूं। थैंक यू। हाँ, तो आपकी वार्ता में एक मिस्टर चौबे का जिक्र हुआ था, कौन है वो? बैठे मिस्टर चौबे, जब से ये हमारी जिंदगी में आए हैं तबाह कर दिया इन्होंने सब कुछ। अगर ये नरेश को मजबूर नहीं करते तो नरेश मुझे छोड़ने का इरादा नहीं करता। अच्छा, क्यों? इन्होंने ऐसा क्या किया? ये नरेश को ब्लैकमेल कर रहे थे। रियली? ब्लैकमेल? किस बात पे? मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, नरेश ने बताया था कि ये नरेश से 20 लाख रुपए मांग रहे थे। 20 लाख? योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि मिस्टर चौबे कटघरे में आकर बताएं कि वो नरेश कुमार से 20 लाख रुपए क्यों मांग रहे थे। सर, मैं मानता हूं कि मैं मिस्टर नरेश कुमार को ब्लैकमेल कर रहा था, क्योंकि सिर्फ मैं जानता था कि मिस्टर नरेश कुमार ही डॉक्टर सुशील भारती हैं। ये बात आपको कैसे और कब पता चली? सर, मैं एक इंश्योरेंस एजेंट हूँ। 3 साल पहले डॉक्टर सुशील भारती ने अपने नाम पे एक 5 करोड़ की पॉलिसी बनवाई थी, जो उनकी बीवी डॉक्टर श्लोका को उस प्लेन क्रैश के बाद मिली सर। लेकिन फिर मुझे पता चला कि डॉक्टर सुशील भारती जिंदा है किसी नरेश के नाम से, इसीलिए मैं उनसे मिलने उनके घर पूना पहुंचा। वाह वाह वाह, नई जिंदगी तो बहुत वंडरफुली सेट की है आपने, सुशील भाई या फिर नरेश भाई। वास बंद कर और ये बता कि तेरे को मेरी असलियत किसने बताई? अरे फिजूल की बात करके क्या फायदा है सर, कौन क्या किसने, अरे मारिए गोली। आप बस इतना पूछिए कि हम इतनी मुश्किल से आपको ढूंढते ढूंढते मुंबई से पूना क्यों आए? वही माया जिसके पीछे आप यहां आए। पैसा बहुत लूटा है आपने हमारी कंपनी को। छह 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 छह, अब हम आपको लूटेंगे। 20 लाख दीजिए और आपका ये राज हम देखिए। 20 लाख की रकम कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, वरना अगर हमारी इंश्योरेंस कंपनी को पता चल गया कि आपने उसे धोखा दिया है तो 5 करोड़ तो वापस लेगी, और सूद में आपको मिलेगी
10 साल की कैद। आई वंडरफुल बात समझ में। मैं तुझे एक फुटिक को कोड़ी भी नहीं देने वाला। तो ठीक है, फिर मैं सीधा यहां से इंश्योरेंस कंपनी चला जाता हूं आपके जीवित होने की वंडरफुल गुड न्यूज देने। तू क्या मेरी असलियत बताएगा? मैं खुद ही अपने बारे में सब कुछ सच बताने जा रहा हूं। फिर क्या करेगा तू बोल? हाँ क्या करेगा? क्या? हाँ मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपने ऊपर से झूठ का पर्दा खुद ही उठाऊंगा और सब कुछ पुलिस में जाके सब कुछ सच बता दूंगा। आपने अदालत को बताया मिस्टर चौबे कि आपको इस बात की खबर हो गई थी कि नरेश कुमार ही डॉक्टर सुशील भारती है। ये बात आपको कैसे और कब पता चली? हमको एक फोन आया था सर। अच्छा, किसका? पता नहीं, किसी गुमनाम आदमी की आवाज थी जिसने सुशील भाई का पूरा भांडा फोड़ दिया। तो इसी अज्ञात फोन कॉल करने वाले के इशारों पर आप पूना तक पहुंच गए और वहां आप डॉक्टर सुशील भारती से मिले और उनके सामने आपने ये 20 लाख रुपए की मांग रखी। मैं बड़ा ही ईमानदार आदमी हूं साहब। माना मैंने ब्लैकमेल किया, लेकिन मैंने उनसे कोई पैसे नहीं लिए। क्यों? क्योंकि सुशील जी की वंडरफुल बातें सुनने के बाद मेरा जमीर जाग गया। जब वो खुद अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहते थे तो भला मैं उसका फायदा कैसे उठाता। इसीलिए मैं चुपचाप मुंबई वापस लौट आया। तो आपने मुंबई लौटते ही अपने इंश्योरेंस कंपनी को इस बात की खबर की, जैसा कि आपका फर्ज बनता है। बताई ना, मैंने तो पूरी रिपोर्ट फाइल की थी। राइट मिस्टर चौबे, जो रिपोर्ट आपने फाइल की थी वो 3 अक्टूबर को फाइल हुई थी, यानी कि डॉक्टर भारती के मरने के बाद, या कहेंगे मिस्टर नरेश कुमार के मरने के 2 दिन बाद, जबकि आप उनसे कुछ 26-27 दिन पहले मिले थे। इतने दिन तक क्या कर रहे थे? सर मैं कुछ जरूरी कामों में बिजी हो गया था सर। झूठ झूठ बोल रही है। मिस्टर सिंगल, आपको जो भी कहना है कटघरे में आके कहिए। ये झूठ बोल रहा है योर ऑनर। ये इतने दिनों तक इसलिए चुप था क्योंकि नरेश कुमार ने जो रकम देने से इनकार कर दिया वो मेरी बेटी ने इसे दिया, 20 लाख रुपए। डैडी नहीं। मुझे बोलने दो बेटी। नरेश ने उसे मेरी बेटी के पास भेजा था 20 लाख रुपए लेने के लिए। वंडरफुल, पूरे 20 है। ये क्या हो रहा है शर्मिला? तिजोरी से पैसे तुमने निकाले? चौबे जी आप जाइए। वंडरफुल। ये सब क्या हो रहा था? और वो पैसे? डैडी, नरेश ने इनसे कुछ उधार लिया था 20 लाख रुपए का, आपको लौटा देगा बाद में। उस आदमी के प्यार में इतनी अंधी हो गई हो तुम? शर्मिला, जब से वो तुम्हारी जिंदगी में आया है उसने सिर्फ तुम्हारे अमीरी का फायदा उठाया और कुछ नहीं। देख लेना, एक दिन वो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा और तुम उम्र भर पछताती रहोगी। डैडी ये मेरी लाइफ है और ये घर मेरा है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तो ठीक है, मैं ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। मैं जा रही हूँ नरेश के पास। शर्मिला रुको, शर्मिला, उस आदमी के लिए अपने बाप को छोड़ दोगी? याद रखना शर्मिला, एक दिन तुम बहुत बुरी तरह पछताओगी। I'm sorry डैडी, आप सही कह रहे थे, मुझे नरेश पे विश्वास नहीं करना चाहिए था। मैंने नरेश से प्यार करके बहुत बड़ी गलती की, लेकिन मैंने नरेश को नहीं मारा। मैं जानता हूं बेटी, मैं जानता हूं। योर ऑनर, इसी ने
इसी ने मारा नरेश को। चौबे के पास मेरे 20 लाख रुपए हैं और इसे इस बात का डर था कि अगर नरेश ने पुलिस को सब कुछ बता दिया तो 20 लाख रुपए रिश्वत देने के जुर्म में उसे जेल हो जाएगी। बस योर ऑनर, इसी डर की वजह से इसने मारा है नरेश को, इसने। झूठ झूठ, हमने किसी से कोई पैसे नहीं लिए और ना ही हमने किसी को मारा है। उस रात हम प्लाजा थिएटर में एक वंडरफुल पिक्चर देखने गए थे साहब, ये देखिए उसका टिकट। क्या बात है मिस्टर चौबे, फिल्म देखने गए टिकट बचा के रखी है आपने। सर ये लड़की अपने बाप को बचाने के लिए झूठ बोल रही है सर। यू मीन अपने आप को, और डू यू मीन अपने बाप को? अपने बाप को। हमने सोचा कि हम इसकी असलियत छुपा देंगे, पर ये ससुरा तो हमारा ही बैंड बजाने चला है। जज साहब, सुशील भारती की असलियत की खबर देने वाला वो फोन कॉल किसी और ने नहीं मिस्टर सिंघाल ने किया था मुझे। ऑर्डर ऑर्डर। मैं मानता हूं कि सुशील भारती की असलियत चौबे को मैंने ही बताई ताकि डॉक्टर भारती आपकी बेटी की जिंदगी से दूर हो जाए। जी, मैं सुशील को जेल भिजवाना चाहता था लेकिन दुर्भाग्यवश मिस्टर सिंघाल ये हो ना पाया। आपकी बेटी ने आपके 20 लाख रुपए मिस्टर चौबे को दे दिए और आपकी जिंदगी से चली गई। काश वो सुशील मेरी बेटी की जिंदगी में आया ही ना होता। मिस्टर सिंघाल, उनका आना आपके हाथों में नहीं था लेकिन उनका जाना आपके हाथों में अवश्य था। मुझे तो मिस्टर चौबे की बातों पर यकीन होने लगा है। कहीं आपने तो नहीं कत्ल किया डॉक्टर भारती का? नहीं, मैंने उसे नहीं मारा, बल्कि कत्ल वाली रात को तो मैं पुणे में था अपने घर में और शर्मिला मेरे साथ थी। शर्मिला और आप अपने पूना वाले घर पर थे, मिस्टर चौबे थिएटर में फिल्म देख रहे थे, तो किसने किया कत्ल डॉक्टर भारती का? मिस्टर केडी पाठक। जी कहिए। अच्छा सवाल है, जाइए अपनी सीट पर बैठिए और इसके बारे में सोचिए, तब तक मैं इनसे कुछ सवाल पूछ लेती हूँ। ओके, मिस्टर सिंघाल, जो राज डॉक्टर सुशील भारती ने आपकी बेटी तक को नहीं बताया वो आपको कैसे पता चल गया? वो दरअसल एक डिटेक्टिव के जरिए मैंने सुशील भारती की छानबीन करवाई थी। उस डिटेक्टिव का कोई नाम नंबर ताकि हम भी उसका बयान ले सके? वो नाम तो मुझे याद नहीं है और उसका नंबर मेरे पास अभी है नहीं। अजीब बात है। खैर, जब आपको नरेश के अतीत का सच पता चला तो आपने अपनी बेटी को उसके बारे में आगाह नहीं किया? जी नहीं। अगर आपके बदले कोई और होता तो सबसे पहले अपनी बेटी की आंखें खोलता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मिस्टर सिंघाल, आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? बोलिए। अब तो मुझे भी शक हो रहा है कि डॉक्टर सुशील भारती का कत्ल शर्मिला ने नहीं आपने किया है। कुछ नहीं किया, ये कुछ नहीं छुपाते मुझसे। कोई जासूस नहीं था बल्कि मैंने खुद डैडी को नरेश की असलियत बताई थी। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। शर्मिला, तुम पहले से ही जानती थी कि डॉक्टर सुशील भारती और नरेश कुमार एक ही है, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। जी हाँ। शर्मिला, ये क्या कह रही हो तुम? कहीं अपने पिता को बचाने के लिए तो क्या तुम वाकई जानती थी ये बात पहले से? अदालत में सच बोलना शर्मिला, वरना। सिर्फ मैं ही जानती थी कि सुशील ये सब कुछ क्यों कर रहा था। सुशील और मैं
एक दूसरे को पिछले 7 सालों से जानते थे, लेकिन श्लोका अपनी शादीशुदा जिंदगी से ना खुश थी। और फिर हमें जिंदगी ने ये मौका दे ही दिया कि हम तीनों आजाद हो जाएं। आज से 3 साल पहले सुशील एक फ्लाइट लेकर मुंबई से कोलकाता जाने वाले थे, लेकिन एयरपोर्ट के शॉपिंग सेंटर में बिजी होने के कारण सुशील बोर्डिंग अनाउंसमेंट नहीं सुन पाए और उनकी फ्लाइट मिस हो गई। इसीलिए जब प्लेन क्रैश हुआ तो सुशील का नाम पैसेंजर लिस्ट में था। तो फिर सुशील ने गलतफहमी दूर क्यों नहीं की? इतने साल छुपाए क्यों रखा? सुशील के नाम 5 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी थी, जिसकी इकलौती वारिस श्लोका थी। जब आधी से ज्यादा बॉडीज बरामद नहीं हुई तो हमें लगा यही सही मौका है श्लोका को सुशील की जिंदगी से निकालने का। सुशील ने उसी प्लेन क्रैश में अपने आप को मार दिया और सुशील भारती को मारकर एक नई आइडेंटिटी बनाई, नरेश कुमार की। और वो उसके बाद मेरे पास पुणे आ गए, जहां हम खुशहाल जीवन बिताने लगे, और वहां श्लोका भी खुश थी, क्योंकि उसको सुशील की नकली मौत से 5 करोड़ रुपए का फायदा हो गया। लेकिन फिर एक दिन अचानक नरेश कुमार उर्फ डॉक्टर सुशील भारती के मन में पश्चाताप की भावना जागी और उन्होंने ये फैसला किया कि वो तुम्हें छोड़कर अपनी पत्नी श्लोका के पास जाएंगे और उनसे माफी मांगेंगे। और ये बात तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए जब वो पुणे से मुंबई आए और कॉटेज में ठहरे, तुमने वहां जाकर उनका कत्ल कर दिया। नहीं, मैंने नहीं मारा सुशील को। तुमने ही सुशील को नरेश बनने पर मजबूर कर दिया, और जब वो वापस सुशील बनना चाहते थे तो तुमने उनकी जान ले ली। हाँ शर्मिला, तुमने उनको मार डाला। मैंने नहीं मारा सुशील को। मैंने नहीं मारा सुशील को। अब मेरा विश्वास कीजिए, मैंने नहीं मारा। नहीं मारा मैंने सुशील को। मैं बेकसूर हूँ, मैंने नहीं मारा सुशील को। क्या खून नहीं किया? तो इंश्योरेंस एजेंट चौबे को चाहिए थे पैसे और मिस्टर सिंगाल को अपनी बेटी, यानी कि इन दोनों के पास डॉक्टर भारती को मारने की ठोस वजह थी। सब मुझे लगता है शर्मिला अपने पिता को बचा रही है। ये भी हो सकता है, लेकिन मेरा गहरा शक अभी भी चौबे पर ही है। एक्सक्यूज मी सर। यस, थैंक यू। 100 झूठ बोलकर काट के एक कॉपी प्रिंटर से मंगवाई है, ये देखिए। यू आर इन्वाइटेड टू ग्रेस द वेडिंग ऑफ डॉक्टर श्लोका विद डॉक्टर अभ्यंकर ऑन द 23rd of October। 23 अक्टूबर को आपकी डॉक्टर अभ्यंकर के साथ शादी है। बहुत ही खुशखबर है जी, और क्यों नहीं। डॉक्टर अभ्यंकर ने मेरा उस वक्त साथ दिया जिस समय मुझे सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, और मैं तो ये जानती भी नहीं थी कि सुशील जिंदा है। हाँ, इस बात की खबर आपको कैसे होती? लेकिन डॉक्टर श्लोका, आप ये मानती हैं कि शादी के पहले अगर डॉक्टर सुशील हाजिर हो जाते हैं तो आपकी शादी में खलल पड़ती, मानती हैं इस बात को? पता नहीं, पर इससे पहले कि सुशील मेरे सामने आते, मुझसे कुछ कहते, इस औरत ने उनको मार डाला। वैसे कहना पड़ेगा डॉक्टर श्लोका कि आप सुशील की मृत्यु से, उनके कत्ल से ज्यादा प्रभावित या पीड़ित नहीं लग रहे। किस बात का अफसोस? किसी के भी मरने का शोक सिर्फ एक बार मनाया जाता है मिस्टर केडी पाठक, ना कि दोबारा। और सुशील तो मेरे लिए 3 साल पहले ही मर चुके थे। जिस इंसान ने मुझसे झूठ बोला
मुझे धोखा दिया, मुझे एक विधवा की जिंदगी देकर इस औरत के साथ अपनी जिंदगी बितानी चाहिए, उस इंसान के लिए रोना धोना? मैं तो ये कहूंगी जो भी हुआ सही हुआ। और आपके पक्ष से देखा जाए तो आपके साथ तो बहुत ही सही हुआ, लेकिन डॉक्टर श्लोका, अगर अगर सुशील वापस आ जाते और सबके सामने हकीकत बयां करते, वो जो इंश्योरेंस कंपनी की दी गई रकम थी 5 करोड़ रुपए जो आपके पास है, वो जब्त हो जाती। आप कहना क्या चाहते हैं कि मैंने प्यार और पैसे के लिए सुशील को मार डाला? मैं तो ये जानती भी नहीं थी कि वो जिंदा है और कहां है। और ये बात आप पूरे यकीन के साथ कह रही हैं डॉक्टर? Of course, I'm sure, very sure. Your Honor, जैसे कि मैंने इस केस की पहली सुनवाई में कहा था, मिस्टर भारती ने मुझे कत्ल के एक रात पहले यानी कि 30 सितंबर को फोन किया था मेरी मदद मांगने के लिए। उनके फोन रिकॉर्ड से यह जाहिर होता है कि कत्ल के दिन भी उन्होंने एक फोन किया था। किससे? एक प्राइवेट अनलिस्टेड मोबाइल नंबर पर। बड़ी जद्दोजहद के बाद पता लगाया है कि ये प्राइवेट, या ये कहूं कि ये खुफिया नंबर किसका है। Your Honor, ये खुफिया नंबर डॉक्टर श्लोका का है। हाँ तो डॉक्टर श्लोका, कत्ल के दिन यानी कि 1 अक्टूबर को डॉक्टर भारती ने आपको ठीक 4:29 पर फोन किया था, किया था या नहीं? Wait a minute. मुझे उस दिन शाम को 4:30 के करीब एक फोन कॉल जरूर आया था, बट इट वॉज एन अननोन नंबर, वो एक प्राइवेट नंबर था और मैंने हेलो हेलो बोला, आगे से मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही थी तो मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। अचंभित कर देने वाली बात है डॉक्टर श्लोका, क्योंकि फोन रिकॉर्ड्स ये कहते हैं कि आपकी पूरी 6:09 बात हुई है उनसे। जी जी, कत्ल के दिन डॉक्टर भारती ने आपको फोन किया था या नहीं, बात हुई या नहीं? हेलो श्लोका। हेलो, सुशील। सुशील? हाँ, मैं जिंदा, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। तुम जिंदा हो सुशील? मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला तुमने, इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे। तुम जिंदा हो? तुम्हारे जीते जी मैं विधवा बनकर रह रही हूं। ऐसा मत बोलो, मत बोलो। मुझे मुझे एक मौका दो सुशील, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं। मैं तुमसे मिलकर नहीं सुशील, तुम यहां नहीं आना, तुम मुझे अपना एड्रेस दो, मैं आती हूँ तुमसे मिलने के लिए। मुझे बताओ अपना एड्रेस दो मुझे। और डॉक्टर भारती से बात करने के बाद, उनकी हकीकत जानने के बाद, आप सीधा ब्लू पर्ल कॉटेज पहुंची जहां आपने उनकी हत्या की ताकि आपको वो 5 करोड़ रुपए इंश्योरेंस के पैसे न लौटाने पड़े और आपकी शादी में भी विघ्न न पड़े। Am I right? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सुशील जिंदा है ये खबर सुनकर मैं चकरा गई थी, मेरी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए मैं घर चली गई थी। और आप ये बात डॉक्टर अभ्यंकर से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर द सजेशन डॉक्टर अभ्यंकर। जी हाँ, मैं अपने केबिन में ही था जब मैंने श्लोका को जाते देखा, उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है।
काफी घबराई हुई लग रही थी वो। इनफैक्ट उस रात उनको मैंने कॉल भी किया था तकरीबन 9 बजे के आसपास उनकी तबीयत पूछने के लिए, वो घर पे ही थी। ये रहे डॉक्टर श्लोका के घर के स्टाफ का लिखित स्टेटमेंट और उनके घर का लैंडलाइन बिल। इससे साफ जाहिर होता है कि डॉक्टर श्लोका कत्ल की रात अपने घर पर ही थी। मिस्टर चौबे थिएटर में फिल्म देख रहे थे, इसका मतलब ना ही कत्ल मिस्टर चौबे ने किया है और ना ही डॉक्टर श्लोका ने। बचे मिस्टर सिंघाल, जो अपनी बेटी को बचाने के लिए झूठ बोल रहे थे कि वो उनके साथ पुणे में थी। डॉक्टर साहब ये बताइए कि डॉक्टर श्लोक और सुशील के बीच में जो बातचीत हुई, क्या डॉक्टर श्लोक ने इस बात का जिक्र किया आपसे? जी नहीं, इनफैक्ट ये तो मैं आज पहली बार सुन रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने डॉक्टर श्लोक और डॉक्टर भारती के बीच की बातचीत ओवरहियर कर ली हो, सुन ली हो और सुन के सीधा डॉक्टर भारती के कमरे में पहुंचे हो उनका कत्ल करने? क्योंकि उनके जिंदा रहने से आपकी और डॉक्टर श्लोक की शादी मुकम्मल नहीं हो पाती। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कत्ल के वक्त मैं अपने एक पेशेंट के साथ था। अच्छा, पेशेंट के साथ थे आप? कहां पर? अपने क्लिनिक में। मैं उनका टूथ एक्सट्रैक्ट कर रहा था। इनफैक्ट मैं उन्हें यहां पर अपने साथ लेकर आया हूं। वो रही, वो सामने बैठी है मिसेस मिस्त्री। जी, उस रात 8:30 बजे डॉक्टर अभयंकर मेरी डांट निकाल रहे थे। तब तो डॉक्टर अभयंकर का भी कत्ल करना नामुमकिन है। केडी, अब आपका कोई भी गवाह नहीं बचा। मान लो कोई कत्ल शर्मिला ने ही किया है। मैं जाऊं बेटा, मुझे अपना इंसुलिन का इंजेक्शन लेना है। हाँ मिसेस मिस्त्री, आप बैठिए। थैंक यू। डॉक्टर अभयंकर बहुत अच्छे डेंटिस्ट हैं, वो किसी का कत्ल नहीं कर सकते। क्यों मिसेस मिस्त्री? क्योंकि उन्होंने आपका दांत बिना आपको दर्द दिए निकाला, इसलिए। हाँ, मैं तो मजे से सोई, जब उठी तो दांत मेरे सामने था। एक्सक्यूज मी, सोई? क्या अर्थ होता है आप सोई मतलब? हाँ, बेहोश किया था। कह रहे थे कि दांत निकालने में दर्द बहुत होगा और काफी वक्त लगेगा और मुझसे तो ज्यादा दर्द सहा नहीं जाता। यानी कि डॉक्टर अभयंकर ने आपको लोकल एनेस्थीजिया की जगह जनरल एनेस्थीजिया देकर पूरी तरह से बेहोश कर दिया था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये क्या डेंटल क्लास लगी हुई है? योर ऑनर, मेरे सवाल का इस केस से सीधा सीधा ताल्लुक है। इजाजत। थैंक यू योर ऑनर। बताइए मिसेस मिस्त्री, कितनी देर तक बेहोश थी आप? यही कोई 1.5 घंटा। 1.5 घंटा? डॉक्टर अभयंकर, जहां तक मेरी जानकारी है, दांत निकालते समय लोकल एनेस्थीजिया दिया जाता है, यानी कि धाड़ को सुन किया जाता है। लेकिन आपने तो मिसेस मिस्त्री को पूरी तरह से सुन कर दिया, कोई खास वजह? वो कॉम्प्लिकेटेड एक्सट्रैक्शन था ना, इसलिए। तो किस धाड़ में तकलीफ थी उन्हें, उपली या निचली? जी, लोअर लेफ्ट जॉ, विजडम टूथ। लेफ्ट लोअर जॉ, विजडम टूथ। लेकिन नीचे की धाड़ का दांत निकालना तो बहुत ही आसान होता है ना? डेंटिस्ट मैं हूं या आप? देखिए, मुझे मालूम है कि बहुत ही मुश्किल प्रोसीजर था। नहीं, ऑफ कोर्स, आप डेंटिस्ट हैं, आपकी जानकारी मुझसे बेहतर होगी। लेकिन एक सिंपल टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए आपने 1.5 घंटा उन्हें जनरल एनेस्थीसिया के अंडर में रखा, आपको ये थोड़ा ज्यादा नहीं लगा? वो भी एक डायबिटिक को, जिनके साथ ऐसा करने से उनकी जान को खतरा हो सकता है। हो सकता है या नहीं डॉक्टर? मैं जानता हूं। और ये जानते हुए भी आपने मिसेस मिस्त्री को 1.5 घंटे तक खतरे में रखा, क्योंकि आपको वो 1.5 घंटे चाहिए थे ताकि आप अपने क्लिनिक से निकले, ब्लू पर्ल बंगलो जाएं और वहां जाकर मिस्टर भारती का कत्ल करें। Silence in the court, please. नहीं, मैंने ऐसा नहीं है। तो फिर आपने मिसेस मिस्त्री को 1.5 घंटे तक बेहोशी की हालत में क्यों रखा?
कहना चाहते हैं, क्या कहना क्या चाहते हैं। मैंने कर लिया सुशील का, मैंने मारा उसे जी, लेकिन ये बात मैं नहीं साबित करूंगा, ये बात खुद डॉक्टर भारती साबित करेंगे मुझे फोन करके। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। व्हाट, सुशील भारती तुम्हें फोन करेंगे मरने के बाद? बिल्कुल प्रोसिक्यूटर साहब, जब इंसान एक बार मरकर फिर से जिंदा हो सकता है तो दोबारा क्यों नहीं। डॉक्टर अभ्यंकर, खुशखबर है कि डॉक्टर भारती जिंदा है। जब पुलिस वहां पहुंची तो उनकी सांसें चल रही थी और उनका फोन बस आता ही होगा। नामुमकिन है डॉक्टर अभ्यंकर, ये बिल्कुल मुमकिन है। स्पीकर फोन। जी डॉक्टर भारती, कहिए। केडी, मैं सुशील बोल रहा हूं, मैं मरा नहीं, मैं एक बार फिर बच गया, मैं अपनी श्लोका को वापस लेने आऊंगा। मुझे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि क्या क्या बकवास कर रहे हैं आप। अरे मर चुका है सुशील। जिंदा हूं मैं। योर ऑनर, मैंने खुद उसकी सांसें चेक की थी, मर चुका था वो मर चुका था। हाँ तो डॉक्टर अभ्यंकर, जरा अदालत को बताने का कष्ट करेंगे, कहाँ चेक की थी आपने डॉक्टर भारती की सांसें? डॉक्टर अभ्यंकर, अपने क्लिनिक में या ब्लू पर्ल कॉटेज में? माफी चाहता हूं योर ऑनर, ये फोन कॉल ऑब्वियसली डॉक्टर भारती ने नहीं, मेरे असिस्टेंट ने किया था, लेकिन इस बहाने हमें इनका इकबाल जुर्म मिल गया। हां तो डॉक्टर अभ्यंकर, सच तो आप बोल ही चुके हैं, लगे हाथ सच्ची सच्ची कहानी भी सुना दीजिए। वो क्या है कि मैंने श्लोका की सारी बातें सुन ली थी। उसके जाने के बाद मैंने उसके राइटिंग पैड पे पेंसिल से रब करके सुशील का पता लगाया। फिर मैंने एक प्लान बनाया, वो मैंने मिसेस मिस्त्री को बेहोश किया और मैं फौरन ब्लू पर्ल कॉटेज पहुंचा और वहां जाके मैंने सुशील का कत्ल कर दिया। और उसके बाद मैं क्लिनिक पे लौटा और मैंने मिसेस मिस्त्री का दांत निकाला। योर ऑनर, ये सब मैंने श्लोका का प्यार पाने के लिए किया था। मुझे लगा था कि कहीं वो अपने पति के पास वापस न चली जाए, मेरा क्या होगा। शर्मिला सिंगल बेगुनाह है। The defense rests here. डॉक्टर नमित अभ्यंकर के इकबाले जुर्म के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सुशील भारती का कत्ल डॉक्टर अभ्यंकर ने ही किया है, इसलिए यह अदालत उन्हें हिरासत में लेने का हुक्म देती है और शर्मिला जी को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। मेरा भी वक्त आएगा केडी, अगर इंसान मर कर जिंदा हो सकता है और फिर दोबारा मर सकता है, तो मैं कई बार हार कर एक बार तो तुमसे जीत ही सकती हूँ। ऑफ कोर्स, और जीतना भी चाहिए आपको, लेकिन प्रोसिक्यूटर साहिबा, जीत तक पहुंचते पहुंचते सच का साथ नहीं छोड़ना चाहिए हमें, राइट ना? आप हाँ या ना में जवाब देना।
हाँ या ना? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.